हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन। आज हमारे पास है काफी सारे अपडेट्स यूट्यूब कम्युनिटी के, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले कैरमिनाटे की तरफ से। कैरमिनाटे के फैंस पूछ रहे हैं उनसे नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, जिसके बारे में कैरमिनाटे ने अपडेट देते कुछ ये कहा। और सबसे पहले बहुत बहुत बड़ा सॉरी है यार, मैंने तुम लोगों को अपडेट नहीं दिया वीडियो के बारे में। मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अभी तक की मेरी सबसे मुश्किल वीडियो है बनाने में। इसके बहुत कांड फट रही है इसे बनाने में, बट होपफुली जब ये कंप्लीट होगी और रिलीज होगी, अगर तुम लोगों का आशीर्वाद रहा तो सब बढ़िया जाएगा और बहुत मजे आएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है लक्ष्योदय की तरफ से। लक्ष्योदय ने रोज करा एक पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर को, जो अपने वीडियोस में व्यूज के लिए कर रहे हैं इंडिया के लोगों को ट्रोल, उनकी पिक्स का यूज करके उन्हें बदनाम। बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और गंदा भी। ये बंदा पाकिस्तानी इंस्टाग्राम स्किन एक्सपर्ट है और इसके अकॉर्डिंग जितने भी पीड़ित हैं वो सारे इंडियन हिंदू हैं। एक हफ्ते पहले मुझे महाराष्ट्र से एक भाई का मैसेज आया, और 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया। आज फोन पे अपने हिंदुस्तानी गुरुजी से बात कर रहा हूं। पता नहीं इंडिया बिहार से मुझे भाई का मैसेज आया। और हां भाई, इंडिया में ना तो स्किन के एक्सपर्ट्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना क्लिनिक है, ना कोई ट्रीटमेंट है, ना किसी को पता। और जिसको भी इंडिया में स्किन की कोई दिक्कत होती है वो सीधा इंटरनेट के सबसे बड़े डॉक्टर यानी आपके पास पहुंच जाता है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टाइज तो लाहौर कॉलेज ऑफ अलभसड़ से है। वैसे देखो, कॉन्फिडेंस तो चाहिए नहीं स्किन के ऊपर टिप्स देने के लिए, नहीं खुद के ऊपर 75 फिल्टर लगाने के बाद दूसरों को स्किन के ऊपर टिप्स देने के लिए। भाई पहले जाके अपने रमीज राजा और उमर अकमल को ग्रूम कर ले। हां भाई, इंटरनेट से रैंडम इंडियंस की फोटोज उठा के उस पे फेक सस्ती एडिटिंग मार के बॉडी शेम कर देता हूं। इंडिया के नाम पे अम्मी अब्बू को 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी और मुझे सस्ती फेम भी मिल जाएगी। बट अगले अपडेट की तरफ, जो कह रही मनोज की तरफ से। जैसा मनोज ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, ये न्यूज हमने आपको दिखाया था, जहाँ न्यूज बॉय, न्यून मैन, आदर्श योशी जैसे यूट्यूबर आए थे। बट जितनी हाइप क्रिएट की गई थी इस इवेंट को लेके, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ की ऑडियंस, न ही वहाँ के मैनेजमेंट। इवेंट काफी डिले स्टार्ट हुआ, फैंस काफी नाराज दिखे। फैंस एंड इवेंट सिक्योरिटी के बीच काफी लड़ाइयां भी हुई। फैंस ने कहा 1500 टिकट प्राइस वर्थ नहीं है, एंड उस पर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहा। तो एक क्रिएटर को किस तरीके से मनोज देके सब गार्ड लोग ने किस तरीके से मारा भाई, वो ना सब लोग वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन सब लोग गया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मजबूरन में सबको वहाँ रुकना पड़ा वीडियो के लिए भाई, और कुछ नहीं, क्योंकि वीआईपी जोन में हम लोग का टिकट था 1500 रुपये दे के। हम लोगों ने टिकट लिया था, बोला था चाय देंगे, नाश्ता देंगे और भी सारी चीज़ें, लेकिन भाई वो सब कुछ नहीं। सब जो है ना वीआईपी, गोल्ड, फैन जोन सब बराबर हो गया। बराबर होने का भी एक रीजन है भाई, ढाई ढाई घंटे कोई वेट नहीं करेगा आपका शो का, ठीक है। 5 बजे ये इंटर कर दिया था सबको, फिर भी मनोज देव नहीं आए। फिर भी उसके बाद दोस्तों बहुत देर तक उन लोग इंतजार किया, यानी वीआईपी जोन का कुछ काम ही नहीं था वहाँ पर। झूठ में इन्होंने जो है 1500 रुपये टिकट रखा, कोई भी मतलब नहीं था। होटल में ही सोए भाई, 3000 रुपये एक बंदा के प्रति खर्चा है। नॉर्मल खर्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई, 1500 इधर उधर तो खर्चा होगा ही, और 1500 रुपये टिकट जहाँ पर कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं, सिर्फ लड़ाई के अलावा मतलब कुछ मैनेजमेंट नहीं। शायद मनोज देव को भाई आज से लेकर के 30 दिन तक हम गाली देंगे भाई। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो क्या उर्वशी रुठेला है, उनकी फॉर्म मीरा रुठेला की तरफ से। जैसे कि मीरा रुठेला का पोस्ट काफी वायरल हुआ था, जहाँ उन्होंने ऋषभ पंत के लिए प्रे किया था। वो ऋषभ पंत से मिलने कुकलेवन हॉस्पिटल गई थी, एंड उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी शेयर करा था हॉस्पिटल के पिक के साथ, जिसके कैप्शन में लिखा था एवरीथिंग इज ऑल राइट, डोंट वरी बेटा। उन्होंने टैग किया था उर्वशी रुठेला को, जिसके बाद फैंस और सारी ऑडियंस को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद उन्हें काफी सारा ट्रोल किया जा रहा है, जैसे कि आप कमेंट्स में देख सकते हैं। अगला अपडेट की तरफ, जो कि आ रही अवतार 2 मूवी से रिलेटेड। कल की वीडियो में हमने आपको बताया कि अवतार 2 डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने बताया कि उन्होंने एक ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर लिया है, अवतार 3 सीक्वल का भी कन्फर्मेशन दे दिया है। गाइस, अवतार 2 बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड ये बन गई है वर्ल्ड की टॉप 10 हाईएस्ट रेवेन्यू क्रॉसिंग मूवी, एंड ऑन 9th पोजीशन एंड ऑन 1st पोजीशन इन इंडिया। सुमित खडेल जो कि एक मूवी ट्रेड एनालिस्ट है, उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया, अवतार हैज एमर्स हाईएस्ट ग्रोसिंग हॉलीवुड मूवी इन इंडिया बाय सरपाइजिंग द लाइफ टाइम ग्रॉस ऑफ एवेंजर्स एंड गेम 438 crores। फिल्म टोटल स्टैंड 439.50 crores एंड 480 crore लाइफ टाइम बेच। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि आ रही भुवन बाम की तरफ से। तो क्या भुवन बाम के एंग्री मास्टर 16 का डायलॉग कॉपीड है? निखिल अग्रवाल एक यूट्यूबर है, जिन्होंने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि ये कॉपीड है उनके वीडियो से। सबसे पहले बताता हूँ फिल्मी ज्ञान आखिर करता क्या, जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनके फोटोज और वीडियोज को पोस्ट करता है, और हमसे हीरोइन का पिछवाड़ा दिखा के पूछता है पहचाने कौन। मैं क्या पिछवाड़े का स्पेशलिस्ट, कैसे पहचानूंगा मैं?
ये लोग वही है ना जो औरतों को पीछे से रिकॉर्ड करते हैं और पूछते हैं पहचान कौन। अरे QR कोड थोड़ी लगा है वहाँ, सत्यानाश कर रखा है, फेस दिखाओ ना बेस। मैंने बोला कि भुवन ने मेरा वीडियो कॉपी किया और मैंने प्रूफ दिखाया, मैंने वीडियो डाला है कि भाई ये देखो ये चीज कॉपी हुई है। कोई मुझे बोल रहा है कि यार एक लाइन कॉपी हुई है, ये कॉपी हुआ है, वो कॉपी हुआ है, कहाँ कॉपी हुआ है, कुछ कॉपी नहीं किया, अलग है वो है। अरे कहाँ अलग है यार, मैंने तुमको वीडियो दिखाया है ना, बकायदा तुम्हें पूरा वीडियो दिखाया है, तुम्हारी वीडियो शो किया है कि मैंने वीडियो कब डाला है, उनका वीडियो कब आया है, क्या चीज़ कॉपी हुई है। फिर कमेंट में बकवास कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया, तेरा वीडियो थोड़ी कॉपी करेगा वो, उसके पास भी दिमाग है। सबके पास दिमाग है ब्रो, सबके पास दिमाग है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कमेंट में बकवास करना मेरे से बंद करो, ठीक है। और जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं हो तो पहले वीडियोस देख लो दोनों जाके, और उसके बाद ही कुछ कमेंट करना, ठीक है। वो बड़ा क्रिएटर है तो तुम मेरे से बकवास आके करो। अभी ये कोई छोटा क्रिएटर होता तो भाई तुम सब ठीक, हाँ हाँ भाई सच में को वीडियो कॉपी हुआ, कॉपी हुआ, कॉपी हुआ, ठीक है। मुनव्वर वाले सीन में भी यही था, ठीक है। तो मुनव्वर भाई ने क्लियर किया था ना कि भाई वीडियो कॉपी नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ थिंकिंग, ठीक है। तो वहाँ एक एक उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट किया था, यहाँ वीडियो है, बकायदा लाइन टू लाइन सेम आ रही है, ठीक है। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं चूतिया नहीं हूँ। बात भुवन वाम की हो रही तो भुवन वाम का ताजा खबर बन गया है टॉप 5 मोस्ट व्यूज स्ट्रीमिंग शोज एंड मूवीज ऑफ द वीक। भुवन वाम ने शेयर करे सम स्टोरीज इससे रिलेटेड। नेक्स्ट अपडेट आ रही द UKG7 राइडर बाबू भैया की तरफ से। UKG7 राइडर का नया सॉन्ग कर रहा है ब्रेक काफी सारे यूट्यूब रिकॉर्ड्स को। अब इस वीडियो पे 3.5 मिलियन व्यूज हैं, मोर देन 5 लाख लाइक्स एंड 8.5 लाख कमेंट्स हैं, जिस पे रिएक्ट करा बाबू भैया ने अपने स्टोरी में एंड कुछ ये कहा। आज वाली वीडियो पे 5 लाख कमेंट हो गए, कितनी देर में इकरा, कितनी देर में, 4 घंटे में 5 लाख कमेंट। हमारी वीडियो इंडिया की वन ऑफ दी टॉप मोस्ट कमेंटेड वीडियोस, 5 लाख कमेंट गाइस। मुझे तो यकीन नहीं था 5 लाख कमेंट कर दोगे तुम लोग भाई साहब। मैं हमारी वीडियो इंडिया की वन ऑफ टॉप 25 वीडियोस में से एक बन चुके गाइस, जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट है भाई। ये देखो, अरे हमें 2 दिन का लग गया 5 लाख कमेंट करने के लिए, और हम 5 घंटे में 5 लाख कमेंट, 5 लाख कमेंट टिकरा, 5 लाख। मैंने कहा ना मेरी ब्रो सेना से, मेरी ब्रो सेना से पंगा नहीं, मेरी ब्रो सेना से पंगा नहीं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कह रही राउंड 12 की तरफ से। क्या राउंड 12 का सॉन्ग आने वाला है? राउंड 12 के जियान सेवी ने एक पोस्ट शेयर करा एक काफी पॉपुलर पंजाबी सिंगर काके के साथ, जिन्होंने लिबास टेम्पररी प्यार जैसे काफी सारे हिट्स दे चुके हैं। कैप्शन में लिखा था बिल्लो बग्गे बेलियंदा की करेंगी बताओ क्या करेंगी, एंड उसके नीचे लिखा हुआ था काका जी एक्स जियान सेफी। उनके टीम मेंबर ब्लैक जॉन फोटोग्राफी जो की डायरेक्टर है इन राउंड 12, उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा कब तक आ रहा है सॉन्ग, ओह सॉरी बताना नहीं था क्या, जिससे अब कंफर्म हो जाता है कि राउंड 12 का सॉन्ग आने वाला है इन फ्यूचर। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि आ रही तारक मेहता उल्टा चश्मा की ओर से। क्या तारक मेहता का शो बंद होने वाला है? काफी सारे पुराने एक्टर्स इस शो को छोड़ के जा चुके हैं, एंड इसके बाद इस शो की TRP में भी काफी डाउनफॉल हुआ है, जिसके बाद काफी मेकर्स टीम्स को भी ये लगता है कि इस शो को बंद करके कुछ नया ट्राई करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि आ रही SRK की तरफ से। #ProudOfYou शाहरुख ट्रेन कर रहा है ट्विटर पे, बट क्यों? 1 जनवरी को दिल्ली कांजा वाले रोड एक्सीडेंट केस हुआ था, जहां एक कार वाले ने एक स्कूटी चलाई लड़की को टक्कर मार दी थी, एंड काफी दूर तक उस लड़की को खींचा गया था। शाहरुख खान ने दिल्ली के कांजा वाला केस में जान गंवाने वाली अंजलि के परिवार की मदद करी। उनकी NGO मीर फाउंडेशन की तरफ से काफी आर्थिक मदद की गई है, जिसके बाद ट्विटर पे काफी लोग प्राउड ऑफ यू शाहरुख खान लिख रहे हैं। चले बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि आ रही खान सर की तरफ से। खान सर देखिए कपिल शर्मा के शो पे, जहां खान सर ने बताया कि उनकी 1:30 मिनट्स की क्लास के लिए उन्हें कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही थगेश की तरफ से। थगेश का नया टॉक शो जो कि आने वाला है वेडनेसडे को, शेयर करा उन्होंने ये पोस्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। ट्रिगर्ड इंसान पुनीत सुपरस्टार कोलैब वीडियो ने क्रॉस कर लिया 1 लाख कमेंट्स इन लेस देन 24 आवर्स। चले बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि आ रही चपाती गेमर की तरफ से। तो क्या वो यूट्यूब ट्वीट करने वाले हैं? वो काफी अपसेट है अपने यूट्यूब चैनल के रीच को लेके। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा आई एम सो क्लोज टू क्विटिंग, फकिंग नथिंग इज वर्किंग मैन, जिस पे काफी यूट्यूबर्स ने रिएक्ट करा लाइक टोटल गेमिंग, खतरनाक आसान, देसी गेमर रॉनी, एंड उन्होंने कहा कि कॉल करो, वी विल सॉर्ट आउट ऑल द इश्यूज टुगेदर। गाइस अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखें, यूज मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल।